और जब हम बिजली हर घर तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम उसके बाद दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे, ये हमको सुनने में आएगा। अच्छा, जब मुख्यमंत्री रुकिए स्वीकार करते हैं, रघुवर दास ये स्वीकार कर रहे हैं कि अभी भी बिजली की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से जो है काम नहीं कर रहा, हर घर तक बिजली नहीं पहुंचा, यानी बिजली जो है कहीं नहीं मिल रहा। और दुख की बात यह, आश्चर्य की बात यह है कि यही गोड्डा में आते हैं मुख्यमंत्री तो गोड्डा में सर्किट हाउस हो या गेस्ट हाउस हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री के रहने के बावजूद भी गोड्डा में जो है बिजली नहीं रहता, ये स्थिति बनी हुई है। तो मुख्यमंत्री के रहने के बावजूद भी अगर बिजली नहीं है जब वो गोड्डा आते हैं तो पूरी झारखंड के बारे में आप आकलन कर सकते हैं कि पूरे झारखंड की स्थिति क्या है बिजली को लेकर। रघुवर दास और बीजेपी के लोग कहते हैं कि झारखंड जो है गरीब राज है। आप सब जानते हैं कि बिहार से अलग हुए झारखंड को 19 साल हो गया और 19 साल में से 16 साल अगर किसी की सरकार रही तो वह भाजपा की सरकार रही। हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं 16 साल तक आप घर घर तक बिजली क्यों नहीं पहुंचाएं? अगर झारखंड आज गरीब है तो इसका दोषी कौन है रघुवर दास जी? और भाजपा के लोग जवाब दो, 19 साल में से 16 साल राज किए कि नहीं किए? और 16 साल राज करने के बाद भी अगर भाजपा के राज में अगर काम नहीं हुआ तो उसका और कोई दोषी नहीं बल्कि भाजपा है। 16 साल राज में और 10 साल जो है केंद्र में, 4 साल अटल जी की सरकार रही और 6 साल मोदी जी की सरकार, लेकिन काम के नाम पे जीरो। झारखंड का क्या लड़ाई है? जंगल जमीन और आपका जल जमीन और जंगल पूरी तरीके से इसको तबाह किया जा रहा है, आदिवासी भाइयों के अधिकारों को हनन किया जा रहा है और पूरा जितना संपत्ति है झारखंड प्रदेश का जो प्राकृतिक देन है, रिसोर्स है, मिनरल है, वो तो सारा जो है पूंजीपति लोगों को बेचने का काम किया जा रहा है। हमको तो बताने की जरूरत ही, आप लोग भले ही सब कुछ जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से आप लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अभी आप देखिएगा, सब लोग पूर्व में वक्ता लोग कह रहे थे कितने बड़े तादाद में हमारे यहाँ गरीब है, पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक भाई लोग हैं, इन सब लोगों के अधिकार का हनन किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हम लोगों की विचारधारा है अंबेडकर जी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा, मंडल जी की विचारधारा, और दूसरे तरफ लोग जो है उनकी जो विचारधारा है वो गोवलकर की विचारधारा है, गोडसे की विचारधारा है। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आप लोग जो हो किसके साथ खड़े रहिएगा। आप लोग गरीब का साथ गरीबों के लिए लड़ने का काम कीजिएगा या अमीरों के लिए आप लोग पार्टी को बैठाने का काम कीजिएगा, जो केवल अमीर के लिए काम करता है ना कि गरीब के लिए काम करने का काम करता है। हम लोग सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे पिछड़े समाज से हो, अति पिछड़े समाज से हो या दलित समाज से हो, और मिलजुल करके सब लोग जो है, ये जो लोग हम लोगों के साथ जो वादा खिलाफी करने का काम किया, जिन्होंने ठगने का काम किया, उनको सबक सिखाने का आप लोग जो है धूल चटाने का काम कीजिए, वरना ये देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिस प्रकार से जहर बोने की राजनीति हो रही है, इंसान के प्रति, भाई के प्रति जहर बोया जा रहा है, बांटने का प्रयास किया जा रहा है, आज हम लोगों को सावधान रहना है। वो लोग इंडिया की बात करते हैं भाजपा वाले लोग, हम लोग भारत की बात करते हैं जो गांव में बसता है, वो लोग केवल शहरों को देखने का काम करते हैं। इसलिए हम सब लोगों को
आज किसान बदहाल है, किसान बदहाल है, किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन तुरंत अमीरों का, पूंजीपतियों का टैक्स में जो है कम कर दिया जाता है, 30% था उसको 22% कर दिया, यानी जो सरकार को जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो फायदा होना था वो पूंजीपतियों को पूरी तरीके से दे दिया, लेकिन किसान आत्मदाह कर रहा है। मजदूर बदहाल है, पूरे देश में दिखा दिया मंदी है, पूरे कारखाने बंद हो रहे हैं, छोटे मोटे दुकान वाले सड़क पर आ गए हैं, जो व्यवसाय करते थे, जो कारखाना होता था वो बंद हो रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा, जो दूसरे राज्य में भी थे वो वापस आ रहे हैं। किसान नौजवान जो है पढ़ लिख लिया है, डिग्री ले लिया है, लेकिन उसको रोजगार ही नहीं है। यहाँ कितने नौजवान साथी हमारे नजर आ रहे हैं, आप बताओ कितने लोग नौजवान भाई आप लोग बेरोजगार, हाथ उठाने के बताने का काम कीजिए। रोजगार दिया किसी ने? अब मोदी जी तो कहते थे कि 5 साल में 10 करोड़, अब हो गया 6 साल, 6ठा साल चल रहा है। अब मोदी जी क्या कहते हैं? रघुवर दास कहते हैं खाली विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। अरे रघुवर दास जी, आप चिंता करना शुरू कर दीजिए, चिंतन छोड़ दीजिए। रघुवर दास चिंतन में लगे रहते हैं, हम उसे चिंतन छोड़िए, चिंता करना शुरू कर दीजिए गरीबों के प्रति, लेकिन उनका तो दूसरा ही मिजाज में रहता है, वो तो जमीन पर रहते ही नहीं, वो तो उड़ते हैं, हवा में उड़ रहे हैं, हाथियों को उड़ा रहे। तो हम देखिए 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा, आज हमारा नौजवान जो है बेरोजगार है, यानी 6ठा साल चल रहा है, खाली विकास हो रहा है, मतलब विकास किसी ने देखा है यहाँ? नहीं देखा ना। हम तो रघुवर दास जी से पूछना चाहते कि विकास केंद्र में 6 साल हो गया मोदी जी का, आपका हो गया पूरा 5 साल, यानी 5 या 6 साल का तो विकास होना क्या होगा? बच्चा जब पैदा होता है तो 5-6 साल के बाद तो चलने लगता है, दौड़ने लगता है। हम लोग विकासों का मुंह देखे हैं, अब तो विकास बड़ा हो गया होगा, थोड़ा विकास दिखा दीजिए, हम लोग भी थोड़ा प्यार कर देंगे। कहीं विकास नहीं है। अब बोलते हैं भाजपा वाले लोग नारा लगाता है हर हर मोदी, हर हर मोदी बोलता है कि नहीं बोलता है? आप बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं, बड़ बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है। आप लोग सब लोग देखिए सावधान रहिए, हम लोग जब बोलते हैं कि नौजवान को रोजगार क्यों नहीं दिया, एगो है यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, बाबा है, बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, और सब बाबा लोग का जंगल करे क्या हो रहा है। चिन्यानंद जी थे, एगो बाबा आसाराम थे, एगो राम रहीम बाबा, तो क्या निकला सब जान रहे। तो हमको तो कुछ कहना नहीं, आप लोग तो जनता होशियार हो, का एमएलए भाजपा का उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया भाजपा, बताइए ऐसे लोग का पूछ है, ऐसे लोग का भाजपा के राज में पूछ है। तो हम देखिए योगी आदित्यनाथ क्या बोले, यही बोले कि ये नौजवान खाली नौकरी मांगते हो, रघुवर दास बोले खाली नौकरी मांगते हो, ये डिग्री लेकर के नौकरी के पीछे मत भागो। बताइए यहाँ कितने बुजुर्ग हैं जो बाल बच्चों को पाल पोसकर के अपना पेट काट के पढ़ाता है, लिखाता है, जमीन बेचता है, हर चीज दे देता है, खून पसीना लगा देता है ताकि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके उसको एक रोजगार मिल जाए और बाद में बुढ़ापा का सहारा हो। अब बताइए डिग्री के लेने के बाद नौकरी नहीं मांगेगा, मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो मोदी जी से मांगा जाता है, रघुवर दास से मांगा जाता है, तो लोग बोलते डिग्री के पीछे मत भागो। अब मोदी जी बोलते कि पकौड़ा बेचो, बोले ना मोदी जी की पकौड़ा बेचो।
अरे मोदी जी चलो ठीक है, जब घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, भूखमरी है, भूख से नौजवान मर रहा है, परिवार मर रहा है, तो घर चलाने के लिए अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कुछ चला ले, करेगा कि नहीं करेगा, जूतों सिएगा, नौकरों बन जाएगा, ठेला लगा लेगा। लेकिन हम मोदी जी हम बोलते कि हम लोग अगर रोजगार नहीं दोगे तो ठीक है हम लोग पकौड़ा बेच लेंगे, लेकिन पकौड़ा बेचने के लिए आप बस इतना कर दीजिए कि आप जो 15-15 लाख रुपया जो वादा किए थे हर एक खाता में देंगे, कम से कम 2-3 लाख रुपया बोनी करा दीजिए, हम लोग ठेला खरीद करके पकौड़ा बेचना शुरू कर देंगे। अरे दुकान लगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कहाँ से लाएगा? ठेला लो तो कर्जा तो लेगा ही आदमी, कोनो जाइए तो भूजा बेच रहा है, कोनो मछली बेच रहा है, कोनो सब्जी बेच रहा है, कोनो फल बेच रहा है, कोनो रिक्शा चला रहा है, कोनो ऑटो रिक्शा चला रहा है, बहुत लोग हैं पैसा नहीं है लेकिन कर्जा ले लेकर के लोग काम करता कि नहीं करता। हम बोले 15 लाख मत दीजिए, कम से कम 2-3 लाख रुपया दिलवा दिए, हाँ तो मिल जाना चाहिए। तो आप देखिए कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं रोजगार के बारे में, हम बात करते हैं किसान के बारे में, हम बात करते हैं मजदूरों के बारे में, हम बात करते हैं अमन चैन के बारे में, हम बात करते हैं गरीबी मिटाने के बारे में, हम बात करते हैं महंगाई कम करने के बारे में, हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, हम बात करते हैं धर्मपेक्षता की, हम बात करते हैं कि गरीब को मुख्य धारा में लाओ, सबको बराबरी का अधिकार दो, मान सम्मान दो। लेकिन भाजपा वाले लोग क्या बात करता है? भाजपा वाला बात करता मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इमरान खान, कश्मीर, पत्थरबाजी, यही ना हो रहा है। हम बात करते प्यार करने की, वो बात करते नफरत करने की, हम बात करते जोड़ने की, वो बात करते तोड़ने की, हम बात करते सबको एकजुट रखिए, प्यार मोहब्बत किए और तरक्की कीजिए, लोगों को रोजगार दिलाइए, तो लोग जो है भाई भाई के लड़ाना। एक बिहार का नेता है जो केंद्र में मंत्री है, क्या नाम है? गिरिराज सिंह नाम है, गिरिराज सिंह जानते होंगे, सुनते होंगे, भड़काऊ बयान देते हैं, नीतीश कुमार का ही कोच है, भड़काऊ बयान देते हैं। हम लोग जब बात करते हैं कि भाई इस देश की आजादी में हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, सबका खून बहा है तभी हमारा देश जो है आजाद हुआ है। जितना ये देश हिंदू का है उतना ही देश मुसलमान और सिख और ईसाई का भी है। उसलिए हम लोग जब बात करते हैं दंगा फसाद वाले को भगाने की, रोकने की, जो नफरत फैलाने वाले लोग उनको सबक सिखाने की, तो गिरिराज सिंह बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज दें। हम बोलते हैं गिरिराज सिंह के बम का देश है जो हमने पाकिस्तान भेजेगा, ये हम लोगों का देश है, पूर्वों का देश है। हम लोगों के बाप दादाओं ने इस देश के लिए मन मिटने का काम किया, और जो लोग अंग्रेजों का चमचाई करते थे आरएसएस वाला सब, अंग्रेज गए तो सब जमीन निकली के नाम पे कर गए, जो चमचे लोग थे अंग्रेजों के, आज वो हम लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम लोगों को देशभक्ति की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आज देश में गरीबी है, बेबसी है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान है कि नहीं है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अगर नौजवान को रोजगार मिलेगा तो क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? क्या नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो हमारा देश मजबूत होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग जो है इस काम में लगे हुए, आई लोग जो है बार बार देखिए भैया, आतंकवादी हो या पाकिस्तान से खतरा की बात हो, हमारा सेना सक्षम है उन लोगों को जवाब देने का, वो सेना की जिम्मेदारी है। और हम लोग सेना को सलाम करते हैं कि पहले भी उन लोगों ने बलिदान देने का काम किया, आज उनके वजह से देश सुरक्षित है, और आने वाले समय में भी
मोदी जी के वजह से नहीं, हमारे सेना के वजह से देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन मोदी जी जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सेना को राजनीति में नहीं धकेलना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों के पीछा मैं पास आकर के हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, ये भाजपा वाले लोग आए, ये लोग इधर उधर की बात करते, आप मांगिए अपना रोजगार, आप मांगिए अपना अधिकार। पूछिए गरीब क्यों है ये झारखंड राज्य, 19 साल में तो 16 साल भाजपा ने राज किया, आखिर क्यों है गरीब, क्यों अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य सब चौपट हो गया। एक बार जीतू करके गए एक अस्पताल है रिम्स रांची में, वो उसकी भी ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पूरी तरीके से इलाज हो पाए। तो आज हम आप लोगों के बीच आए बड़ी उम्मीदों से आए, तो आप लोग सब लोग एकजुट होइए। अभी नए नए लोग कानून ला रहे हैं, चालान काट रहे हैं, लेकिन झारखंड में चुनाव तो 3 महीना रोक दिया। एक आया लड़का बोला कि भैया 25,000 का स्कूटी खरीदे 30,000 का चलाने हो गया। इस तरह का है, हम बोलते ठीक है गलती करेगा तो चलान होगा ना, लेकिन आप लोग जागरूकता अभियान ना फैलाना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था। अब बताइए इतना फाइन दे दिया, अब नौजवान को रोजगार दे, फाइन कहाँ से देगा, कहाँ से हेलमेट खरीदेगा। तो हम तो बोलते सरकार वाले लोग को हेलमेट वह दिलवा दीजिए सबको फ्री में, काफी कब से राम तो नहीं होगा। तो इसलिए देखिए हम लोग हमेशा भाजपा के खिलाफ लड़ने का काम किए, और हमारे पिता आज तक अडवाणी जी के रथ को रोका, आज तक अपने विचारधारा से उन्होंने समझौता नहीं किया है। चाहे कितने भी परेशान स्थिति में हो, कितना भी परेशान किया जा रहा हो, लालू जी को तंग किया जा रहा हो, लेकिन हमारे पिता भाजपा के आगे झुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उसका सामना करके चुनौती देने का काम कर रहे हैं। स्थिति है आज हमारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, उम्र हो गया है, मात्र 33% जो है किडनी काम कर रहा है, दिल का ऑपरेशन हुआ तो बल्ब चेंज हुआ, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बीमार है, तंग किया जा रहा है, केस मुकदमा झूठा साजिश के तहत उनको बंद कर दिया गया। मेरे ऊपर 35 मुकदमा किया भाजपा के लोगों ने, हमारे पर टूटा था सब लोग मिलकर के। मेरे बहनों के ऊपर मुकदमा किया, 7 बहनें मेरी, 7ों बहनों पे मुकदमा किया, 7 बहनें तो 7 जीजा तो 7ों जीजा जी पर मुकदमा किया, मेरे भाई पे मुकदमा किया, मेरी माँ पे मुकदमा किया, हमारे बहन के सास ससुरों को नहीं छोड़ा उन पे भी मुकदमा किया, और सास ससुर के जो रिश्तेदारों को उन पे भी मुकदमा किया पूरा, क्योंकि गरीब के लिए लड़ाई लड़ता है, समाज न्याय की बात करता है, इसको फंसाओ। हम लोग सब लोगों पर पूरा केस मुकदमा किया, लेकिन इस अवस्था में भी जेल रहते हुए भी जब देख रहे पूरा परिवार पे केस मुकदमा फंसा रहा है, तंग कर रहा है, डेली कुछ ना कुछ करवा रहा है, तो भी हमारे पिता जो है समझौता नहीं किए। मुझे गर्व है ऐसे पिता पे जो अपने विचार का सौदा नहीं किए। लोग सोचता था कि लालू जी को जेल भेज देंगे, लालू जी डरा जाए, लालू जी डराए बार तो सोचा अरे जेल भेज करके देखा कि लालू जी तो जेलों चले गए, तो यू ना डरा रहे भाई, झुकने का नाम नहीं ले रहे। तो लोग सोचा कि बाल बच्चा पे मुकदमा शुरू करो, हो सकेगा परिवार पे बाल बच्चा पे मुकदमा होगा तो डर जाएगा। अरे भाजपा वाले लोग कान खुल करके सुन लीजिए, आपके जीदा भक्ति से हमारे पिता करने वाले नहीं, हमारे पिता शेर हैं। और आपको इस मंच से मैं वादा देता हूँ कि हम लोगों ने महागठबंधन बनाया और हमारा पिता, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी जो आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता नहीं किया है, झुके नहीं है, लड़ रहे हैं। जब हमारे पिता ने समझौता और सौदा नहीं किया तो मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, उनका खून मेरे अंदर है, हम भी उनसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, झुकने का नाम नहीं लेंगे।
आप सब लोग, आप लोग शक्ति हो। आज लालू जी कितने भी परेशानियों से गुजर रहे हो, लेकिन वो उफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानती है, जानते हैं कि उनकी महान जनता उनके साथ खड़ी है। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ लालू जी के साथ है। आप हमारी पूंजी है, आप हमारी शक्ति है। ये हौसला हम लोगों को लड़ने का आप लोग देने का काम करते हो, जिसके बदौलत हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा पूरी तरीके से झारखंड को जो है, अभी देखिएगा लिंचिंग जैसे वारदात हो, जो कभी हम लोगों ने नहीं देखा था। नया नया कानून, यहाँ पत्रकार भाई हैं, पत्रकार भाई, जितने पत्रकार भाई हैं, लेखक लोग हैं, उनके लिए रघुवर दास जी ने कहा युवा पॉलिसी लेके आए हैं। रघुवर दास जी विज्ञापन में लिखवाते हैं पीआरटी डिपार्टमेंट से कि जो पत्रकार सरकार का योजना का तारीफ करेगा, लेख लिख करके सरकार को दिखाएगा उसका पेपर का कटिंग, तो उस पत्रकार को 25,000 रुपया देगी। 25,000 किसके पॉकेट से जाएगा? आपके पॉकेट से जाएगा, गरीबों के पॉकेट से जाएगा। और जिसको 25,000 रुपया मिलेगा वो सरकार का बुराई करेगा कि चमचाई करेगा? मतलब रघुवर दास सीधे सीधे देखो, जितने पत्रकार भाई पूरा मान सम्मान है, रघुवर दास समझ लिए जितना पत्रकार है झारखंड का सब पिटा हुए हैं। ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि बताइए रघुवर दास को कि पत्रकारिता अगर सरकार अच्छा काम करेगी, पॉलिसी अच्छा तो उसकी तारीफ करेगी, अगर कहीं कमी है तो उसकी बुराई भी करेगी और सच को दिखाने का काम करेगी, और पत्रकार बिकाऊ नहीं है। अब बताइए रघुवर दास सोच रहे कि पीटीएम बना लें। पीटीएम मतलब कि पत्रकार लोग जो है ताबड़तोड़ तेल मालिश करता है, लोगों को गुमराह किया जा रहा, हर किसी को समझ लिया बिकाऊ है, इस तरह का कोई काम होता है? हमको खुशी होती कि वही रघुवर दास जी अगर ये पॉलिसी लाते कि जो पत्रकार जो है अगर हमसे कहीं कमी छूट गई है सरकार से, और कहीं हमारे तक बात नहीं पहुंच रही, कहीं कोई गड़बड़ घोटाला कर रहा है, अगर उसके बारे में कोई पत्रकार लिखता तो रघुवर दास जी 25,000 के 50,000 दे देते, कम से कम आपको सच्चाई पता होता और घोटाले बंद होते, और जो दोषी है घोटाले बाज है तो भ्रष्टाचारी उनको सजा मिलता, ये होना चाहिए था। आप बताइए मतलब घोटाला हो रहा कि नहीं हो रहा है? बिना कोनो पैसा दिए कोनो काम हो रहा किसी का? कहीं नहीं हो रहा, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार बन गया। तो भ्रष्टाचार पे बात नहीं, अब बीजेपी में जो जाएगा उसका तो पाप झोली में रहता है, मतलब बीजेपी वाला कितना पाप कर लो पाप माना ही नहीं जाता है। लेकिन विपक्ष का लोग अगर सवाल उठाएगा तो अपने तोतों से CBI इनकम टैक्स से डरवाएंगे, झुक जाएगा, डर जाएगा। तो आप लोग देखिए क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है प्रदेश में, और झारखंड को फिर से हम लोगों को तरक्की के रास्ते पे लाना है। और आप जानते हैं आपके विधायक रह चुके हैं संजय यादव जी, इतनी बार आप लोगों ने इनको जिताया है, मान सम्मान दिया है, हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं। और गोड्डा में कुछ था, जब से विधायक बने तब से स्वास्थ्य का लाभ हुआ, तब से थोड़ा बड़ा बिजली आना शुरू हुआ, तब से स्कूल कॉलेज शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, और कितना सैकड़ों पुल बनवाए, पुल रोड जितना है। लेकिन आश्चर्य की बात है, यहाँ सिंचाई के लिए इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है गोड्डा में, और गोड्डा का सबसे बड़ा समस्या सिंचाई है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं, यानी किसान जो है मर रहा है, ले नहीं सकते हैं। रघुवर दास चिंतन कर रहे हैं, वो क्या करते हैं आप लोग जानते हो, बताना नहीं है। लेकिन देखिए हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, महागठबंधन है हम लोगों का, महागठबंधन बने
मजबूत हो और यहाँ गोड्डा जो है हम लोगों का परंपरागत सीट ही नहीं बल्कि हमारी स्थिति भी यहाँ मजबूत है, तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना। हम जब भी निराश थे, जब हमारे पिताजी को जेल भेजा जा रहा था तो हम निराश थे, हम उनके साथ थे, तो पिता हमारे बोलते, बेटा निराश मत हो, दुखी मत हो, जब भी निराश होगे, दुखी होगे, तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीच आए, आप हमारे मालिक हैं, आपका बस आशीर्वाद चाहिए, आपका बस साथ चाहिए, और हम लोगों का उसी में हौसला बुलंद रहेगा। और कोई भी शक्ति जो है, कितना भी अगर कोई गरीब को सताने का कोशिश करेगा तो उसका मुकाबला करने के लिए, उसको धूल चटाने के लिए हम लोग सक्षम रहेंगे। इसलिए आप हमारे मालिक हैं, और बड़ा अच्छा लगा आज में, हम पहली बार, हमको लग रहा है कि हम जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ज्यादा उम्र नहीं है, अब तो आता ही रहना, मेरा बात तो पता नहीं है, आप लोगों के बीच आते ही रहना है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि झारखंड का भी स्थिति पुराने जैसा हम लोग लाने का कोशिश करें, हर जगह जाकर के अपने संगठन को मजबूत करने का काम करें। और जितने हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भी सदस्यता अभियान चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान में भाग लें और जोड़ने का काम करें, बनवाने का काम करें, और पार्टी को जो है मजबूत करने का काम करें। पार्टी मजबूत होगी तो समाज जितना है मजबूत होगा, धर्मनिरपेक्षता मजबूत होगी। इसलिए अगर गरीब, अब देखिए, अब गरीब की चलेगी और लालटेन जलेगी, अब गरीब का सरकार लाना है तो गरीब का सरकार लाइए, और ये जो अमीरों की बात करते हैं, जो पूंजीपतियों का काम करते हैं, जो जंगल जल जमीन बेच देने का काम किया, जो सौदा किया, उसको आप लोग सबक सिखाने का काम कीजिए, तो आप निश्चिंत होकर के यहाँ से जाए ना। फिर चुनाव के वक्त हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे, लेकिन एक बार हमको आश्वस्त कर दीजिए, अपने भाई बेटा को हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, ताकि रुचि बढ़ जाए, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद है ना। अब हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, एक नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलेगा झारखंड बचाओ, ठीक ना। आवाज नहीं आ रही, गोड्डा है, गोड्डा है, बुलंद आवाज आना चाहिए, लगना चाहिए, तो हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, तीन बार बोलेंगे, फिर से हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक का, जो लोग उधर बेरोजगार भाई लोग बैठे हैं, रोजगार चाहिए तो नारा लगाना होगा, सड़कों पे आकर के संघर्ष करना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं, तैयार है ना, दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा, भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ। आप सब लोगों का एक बार फिर हम दिल से धन्यवाद करते हैं, और हम जिस प्रकार से आप लोगों ने मान सम्मान इज्जत देने का काम किया, आशीर्वाद दिया, हम आपके लिए एक बार फिर से आभारी हैं। और हम जाएंगे शनिचरवार को अपने पिता से मिलने, तो उनको भी हम बता देंगे कि कैसा हमारा जनसभा रहा, बता देंगे, लोग तैयार हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो बोलो, इसका मेरा मेरा इधर मोबाइल इधर।